Assalamu alaikum students, I hope you all will fine. Today we are going to practice page number 82. So open your books. Previous classes में आप लोग fraction को shapes के according पढ़ना सीख चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे number 9 के according fraction को, कि number 9 में हम fraction को कैसे देख सकते हैं. उसे देखने का बहुत easy method है. अगर आपको एक दफ़ा आ जाता है तो आपको number 9 में fraction को लिखने के या missing number लिखने का कोई मसला नहीं होगा. नंबर लाइन मैंने 0 to 5 नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लिया है, जो अप टू 0 to 5 एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली जो अप टू 100 जा रही है. मैंने दोनों एरोज भी ड्रॉ कर दिए. अब यहाँ बात करते हैं कि नंबर लाइन के फ्रैक्शन, नंबर लाइन को देखते हुए फ्रैक्शन कैसे ड्रॉ करनी है. सो पहली बात जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है वो है कि सबसे पहले आपने इंटरवल काउंट करना है. किसी भी नंबर लाइन को फ्रैक्शन में लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका इंटरवल कितना है. यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5. सो यहाँ पे 5 के इंटरवल के बाद हमारे पास 0 to 1 का गैप आ जाता है. हम 1 पे पहुँच जाते हैं. सो इंटरवल इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर. किसी भी फ्रैक्शन को लिखने से पहले हमें उसे डिनोमिनेटर पता होना चाहिए, और डिनोमिनेटर के लिए हमें उसका इंटरवल काउंट करना चाहिए. जब हमें पता चल जाएगा इंटरवल कितना है तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी. अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शन का एक पार्ट तो लिख लिया जो हमारे पास था डिनोमिनेटर. अब बात करते हैं ऊपर वाले पार्ट की. कोई भी एक पॉइंट देख लेते हैं लाइक दिस. सपोजिबली हमने इस पॉइंट की फ्रैक्शन राइट करनी है तो हम कैसे करेंगे, इस पॉइंट की फ्रैक्शन हम कैसे राइट करेंगे. सो हमने डिनोमिनेटर ऑलरेडी राइट कर लिया. अब हमने न्यूमरेटर देखना है तो हम इसे यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमारे पास आ गया न्यूमरेटर 7. तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 7/5. इसी तरह आप किसी दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं लाइक दिस. इस पॉइंट पे अगर हम मूव करें तो हम अगर यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये हमारा पहला पॉइंट था. तो हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे. 8, 9, 10, 11, 12, 13. सो ये हमारे पास आ गया 13. 13 बाय डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था, 13/5. अब यहाँ पे हम दोबारा वो चीज़ देखते हैं जो हमने अभी पिछले लेक्चर में हमारा कॉन्सेप्ट जो गया था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई और ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. मगर अगर सपोजिबली हम यहाँ से अगर कोई पॉइंट उठाएं, अगर हम इस पॉइंट को राइट करें कि इसका फ्रैक्शन क्या है 1, 2, 3, 3/5. सो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है. और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो था लाइक और अनलाइक. अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा इंटरवल सेम जा रहा है. हमारी नंबर लाइन 5 के इंटरवल पर नेक्स्ट नंबर पर मूव कर रही है. अगर हम फर्दर भी नंबर लाइन आगे मूव करें तो ये 5 या 6 भी 5 इंटरवल्स के बाद जाएगी. सो ये हमारी लाइक फ्रैक्शन जा रही है जिसके अंदर हमारा डिनोमिनेटर सब में सेम है. इसी कॉन्सेप्ट को हम जहन में रखते हुए आपने अपने इस चैप्टर में जितने भी नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी. प्रीवियस इस लेक्चर को गो थ्रू करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लें ताकि आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह रिवाइज हो जाए. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.